अजय भाई से पूछते हैं हम। ये गिरे। अजय को टालियन लास्ट से ले आ रहा। ले आप काटी आए हो? यही रहे हो आप गाजू कटा लेना। सब मंगा में ही गाना खा ले। हाँ जी दोस्तों, चंडिका घाट के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा बुरसुम का जो गांव था, कि अब आपको आगे हम दिखाएंगे जो इधर से जो कनारा गांव पड़ता है उसके नीचे है क्वेनाड़, तो वहां पहुंचेंगे। उसके बाद फिर आंवला घाट। ये है चिपाउडुंग। अभी एक अम्मा मिली थी, उसने बोला था कि चिपाउडुंग से नीचे को जाना तो तुम सीधे वहाँ पहुँचोगे क्वेनाड़ा। तो ना इसी में नीचे को जाना है, हमने यही बताया था अम्मा जी ने। अभी तक तो ठीक ठाक ही लग रहा है हमको रास्ता, क्योंकि जब बुरसुम में पहुँचे थे तो वहाँ के लोग बोल रहे थे कि अभी इस रास्ते पे कोई चलता नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ उगाई हैं, रास्ता ख़राब है काफ़ी, तो ये सब बातें बोल रहे थे। बट जितना भी अभी हम बुरसुम से क्रॉस करने के बाद जितना भी आए हैं, अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है हमें रास्ते की। फ़िलहाल ऐसा ही होता है फिर पहाड़ों में, रास्ता उबड़ खाबड़। नीचे से पता नहीं किसकी आवाज आ रही है, कोई ग्वाला होंगे, यहाँ बुरसुम के ही आ सकते हैं यहाँ तो, और कनारा साइड के तो नहीं होंगे, बुरसुम के ही होंगे शायद। आवाजें आ रही हैं, बकरियां बुला रहे हैं कोई, तो देखते हैं कौन है। अब काफी नीचे आ गए हम लोग, अब नदी के किनारे पे पहुंचने वाले हैं। बस यहाँ से नदी बिल्कुल सामने ही दिख रही है, और नदी का बहाव दोस्तों आज भी बहुत तेज लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि अमूमन जो है पानी साफ रहता है नदी का, बट आज मुझे साफ लग नहीं रहा है। फिर भी गर्मी भी काफ़ी हो रही है, नदी में तो नहीं जाएंगे। एक गधेरा है यहाँ पे, उस पर नहाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं लड़के। नहीं तो हमारा प्लान सीधे था आंवला घाट रुकने का, बट अब थक भी गए हैं काफ़ी, और नदी के किनारे तो बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। आवाज़ भी अब नदी की बहुत तेज़ आ रही है, तो मुझे भी काफ़ी ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। अब दिखाता हूँ मैं आपको सीन, ये देखिए नदी, ये है पुल, ये पुल क्रॉस करके जाना है हमें ऊपर को। ये बोल रहे हैं कि नदी की तरफ चलते हैं। चलिए फिर आपको भी गंगा मैया के दर्शन करवा ही देते हैं। दिस इज ए ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन ऑफ चंडिका घाट ट्रैक। यहाँ के तो मेरी सारी थकान ही दूर हो गई ये चीज़ देख के। अब थोड़ा सा स्नान कर लेते हैं, लंगड़ा आदमी कितना चलेगा आखिर।
नहा लेते हैं थोड़ा सा। वाह व्हाट ए व्यू। पहले फिर नहाते हैं, पहले नदी के दर्शन करा दूंगा आपको। ये देखिए तो कुछ ऐसा रौद्र रूप धारण किया हुआ है नदी ने। आज भी बारिश हो रही होगी ऊपर को, देख सकते हैं। ये है घाट, बड़े बड़े पत्थर। नदी में तो नहीं जाएंगे हम, क्योंकि काफी तेज अभाव। हम नहाएंगे इसमें। ये देखिए बिल्कुल स्विमिंग पूल है। वाव तकरीबन आधा घंटा हो गया हमें नहाते नहाते। और अजय भाई से पूछते हैं हम, ये गिरे। तो काफी फिसलन हो रही है यहाँ पे। अब सामने से आ रहे हैं वो लोग, मैं उनको जरा लेता हूँ कैमरा। तकरीबन आधा घंटा हम लोगों ने जो नीचे स्विमिंग पूल देख रहा है, पहाड़ी स्विमिंग पूल, उसमें इंजॉय किया था। अब जर्नी स्टार्ट करते हैं आगे को, जो है साईदौला घाट आएगा अब हमारा अगला स्टेशन। तो सफर की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आगे को। ये पुल क्रॉस करके बोला जाता है कि रास्ता खतरनाक है, कुछ इस तरीके से है। अब उस पहाड़ी पे चढ़ना है हमने। अब यहाँ से लग रहा है कि चढ़ाई चालू हो जाएगी, वो उस चढ़ाई पे जाना पड़ेगा पहले। यही है सबसे खतरनाक रास्ता यहाँ का। यहाँ से सीधे नदी नजर आती है। कुछ ऐसे व्यूज आ रहे हैं यहाँ से नदी के, देख सकते हैं। तो अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, ये आंवला घाट के ऊपर टॉप तक। उसके बाद फिर थोड़ा सा डाउन है, फिर और चढ़ाई है। वाह
जंगल में आके तो मंगल करने को मन करता है। 1 बजने वाले हैं दोस्तों, और जब से वो नहा के निकले हैं बिल्कुल खड़ी चढ़ाई लग गई है सामने, और अब थकान भी लगने लगी है क्योंकि स्विमिंग भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो वहाँ से आए हम लोग, जो वो रास्ता दिख रहा है, फिर वो वहाँ पे नहाया था हमने नीचे, वहाँ से फिर ये चढ़ाई है, तो यहाँ पे पहुँच गए हैं अभी। ये है मेन टॉप, यहाँ से दिखता है सामने जो नजर आ रहा है कनारा, उसके ऊपर जरमाल गांव। अब है डाउन थोड़ा, चढ़ाई क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर बैठे यहाँ पे, पानी आनी पिया, अब चढ़ाई खत्म कर ली, अब डाउन है। आंवला घाट पहुँचने वाले हैं अब। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं अब इस 3rd एपिसोड के भी यहीं पे विराम लगाता हूँ। अब आगे के वीडियो में आप देखेंगे जो आंवला घाट है, जो ये जंगल शुरू हो रहा है, ये उसी आंवला घाट का जंगल शुरू हो गया है। अभी हमें एक बूबू भी मिले थे, वो आगे जा रहे हैं, उनसे कुछ बात की थी तो वो बता रहे थे, अभी मैं और बात करूंगा अगले ब्लॉग में। तो मिलते हैं अब आपको आंवला घाट में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।